महाराष्ट्र से पैदल चलकर दिल्ली आए हैं। 1400 किलोमीटर ये लोग पैदल चलकर आए हैं। 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार देश के अंदर अपना घर करते चला गया। कि न्यायपालिका भी अब उससे अछूती नहीं रह गई। बिना वजह हमको जेल में बंद किया जा रहा है, ऊपर से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, बोलो तुमको छोड़ देंगे, 30-40 हजार रुपए दो, ऐसी बात पुलिस वाले करते हैं। अब तहसीलदार, पुलिस डिपार्टमेंट और न्यायपालिका तीनों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, क्या पूछे नहीं। 30-35 साल से हम लोग वहाँ रहते थे, आगे मेरा बिजनेस था, पीछे मेरा रहने का मकान था। ये लोगों ने विदाउट नोटिस बिगर बताए हुए, देवेंद्र खेमराज जैन मंगलमूर्ति डेवलपर ने वो कहीं थोड़ा सा जगह लिया है, उसी बहाने वहाँ के तो लोग सब भाई भाई माफिया है, गुंडागिरी करके हम लोगों को सबको भगाना चाहते है। टोटल प्रॉपर्टी आदिवासियों की है, उधर 5000 घर बने हैं, क्या हमारा ही घर तोड़ने का था। कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, कोर्ट भी उनकी, बीएमसी भी उनकी, पुलिस भी उनकी, सब कुछ उनकी है। कोर्ट वगैरह उनके लिए कुछ नहीं है, कचरा है, जो है उन्हीं का है। जिसने तोड़ा है उसने 33 बिल्डिंग बनाया है, 3 बिल्डिंग का परमिशन है और 30 बिल्डिंग अनलीगल है। इनके बारे में जब ये गए थे आयुक्त साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा, सर मेरा घर आप लोगों ने तोड़ दिया बिना कानूनी कार्रवाई समझे, बोले गलती से टूट गया। गलती से अभी गया। गलती से टूट गया, ये कमिश्नर मतलब जो आईएएस अधिकारी है रैंक पे बैठा हुआ है। आईएएस का इतना प्रचार हो रहा है आज की तारीख में, आप यूट्यूब पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, रील बना करके प्रचार किए जा रहे हैं कि आईएएस बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है। अब ऐसा इंटेलिजेंट आदमी ऐसा जवाब दे रहा है कि भाई गलती से टूट गया। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी मानी जाती है और ये एक ऐसी राजधानी है जहां पर तमाम भारत के लोग कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए आते हैं। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली नहीं, तमाम अलग अलग राज्यों के लोग जब उनको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में न्याय नहीं मिलता तो वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। आज कुछ ऐसे ही परिवारों से आपको हम रूबरू करवाएंगे जो लोग न्याय को कहीं ना कहीं सरकार के आगे अपील करने के लिए आज दिल्ली आ गए हैं और महाराष्ट्र से पैदल चलकर दिल्ली आए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक की करीब 1400 किलोमीटर की दूरी है और ये 1400 किलोमीटर ये लोग पैदल चलकर आए हैं। ये देखिए, ये तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, ये सभी महाराष्ट्र के लोग हैं और महाराष्ट्र से पैदल चलकर दिल्ली आना कितनी बड़ी बात है। करीब 1400 किलोमीटर का रास्ता है दिल्ली तक आने का और 1400 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक न्याय के लिए आ जाए हैं। आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई जो इन लोगों को महाराष्ट्र से दिल्ली आना पड़ा, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण वर्मा है। आज दिल्ली आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, महाराष्ट्र से पैदल चलकर दिल्ली कैसे आना हुआ? देखिए, कैसा हो गया कि 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार देश के अंदर अपना घर करते चला गया और हम वसई विरार क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार इस लेवल तक चला गया है कि न्यायपालिका भी अब उससे अछूती नहीं रह गई। अच्छा। न्यायपालिका का दुरुपयोग अभी एमसीडी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी कर सके, क्योंकि वकील उस तरीके से हो गए हैं कि वो कानून के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको अभी केंद्र सरकार के पास और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के पास इधर आना पड़ा। लोगों के अंदर जो विश्वास खत्म हो गया है कि न्यायिक तरीके से हमको न्याय मिले, उनको ऐसा लग रहा है कि हम आपराधिक रास्तों से न्याय ले लेंगे, किसी को मार देंगे, कूट देंगे, जमीन अपनी जो छीनी है वो ले लेंगे, मर्डर करके ले लेंगे। लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि आप वो रास्ते मत अपनाइए, क्योंकि जैसे ही आप वो रास्ता अपनाते हैं ये भ्रष्ट अधिकारियों के आप हाथ में कठपुतली बन जाएंगे और वो आपसे आपका घर भी लूट लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे और आपको नंगा करके छोड़ देंगे सड़क। अच्छा, महाराष्ट्र से दिल्ली आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बात तब बड़ी हो जाती है जब एक इंसान पैदल चलकर आता है और आप अकेले नहीं बल्कि आपके साथ कई परिवार आए हैं। कितना समय लगा दिल्ली आने में? दिल्ली आने में हम 13 मई 2023 को हम लोग शुरू मई में निकले थे, मई महीने में निकले थे और 12 जून को हम जंतर मंतर पहुंचे थे यहाँ पर। तो ये तकरीबन हमारा 30 से 31 दिन का प्रवास हुआ था पूरा। ये दिन भर में हम 30-35-40-45 किलोमीटर जैसे हमको रुकने का आसरा मिलता था वो हिसाब से हमारा ये दौर होता था, धीरे धीरे करके हमने वो पूरा कर लिया। अब आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि करीब 30-35 दिन लगे हैं आने में। भारत माता की इनके हाथ में एक फोटो भी है, ये क्या, क्यों इसको हाथ में लेकर घूम रहे हैं, किस चीज़ का प्रतीक बना रहे हैं? बोल, भारत हमारा देश है, इसलिए हम ये फोटो साथ में है। दूसरी बात, हम लोग न्याय के लिए आए हैं, बॉम्बे में हमको न्याय नहीं मिला तब इधर इतना दूर पैदल चल के आए हैं कि दिल्ली में, कि भाई बोलते भारत हमारा देश है तो कहाँ है हमारा भारत देश, कहाँ है संविधान, कहाँ है हमको जो मिल रहा है, जो न्याय मिल रहा है। बिना वजह हमको जेल में बंद किया जा रहा है, ऊपर से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, बोलो तुमको छोड़ देंगे, 30-40 हजार रुपये दो, ऐसी बात पुलिस वाले करते हैं। अच्छा। और डेली मारपीट हो रही है, कल रात को भी मारपीट हुआ मेरे घर पर, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, ना उनको उठा के अंदर बंद किया है, वो आज़ादी से घूम रहे, अभी तो कोई भी नहीं आया उधर उनको लेने के लिए। क्या करें हम लोग, किधर जाएंगे, इतना दूर से पैदल चल के हम बॉम्बे से दिल्ली आए अभी।
इससे ज्यादा क्या करे बोलोगे। अच्छा, आपकी समस्या क्या है एक बार बताएंगे, क्या कुछ आप लोगों के साथ मुंबई में हो रहा था जो आज दिल्ली आ गए? देखिए कैसा है, न्याय व्यवस्था संभालने के लिए वहाँ पे 3 संस्थाएं बनाई गई है, एक MCD हो गई है, एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया है, एक तहसील डिपार्टमेंट हो गया और एक न्यायपालिका हो गई है। अब तहसीलदार, पुलिस डिपार्टमेंट और न्यायपालिका तीनों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप पूछिए नहीं। अगर किसी के साथ में कोई हादसा हो जाता है, कोई आकर के किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है जबरन 20-25 गुंडे लेके जाके, अब वो आदमी मदद के लिए किसके पास जाना चाहिए? पुलिस विभाग बनाया गया है उसके लिए। अब वो जब पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ पहुँच जाता है, उसकी शिकायत ही पुलिस वाले लिखते नहीं हैं। अब जब वो शिकायत नहीं लिखेंगे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, फिर चार्जशीट कब दाखिल होगी? सबूत, गवाह सब ऐसे होते हैं कि समय के साथ सब नष्ट होते चला जाता है। अगर ये 1-2 साल लगा के डिले कर देते हैं तो सब समाप्ति उधर निकल जाती है। फिर अगर केस वो बेचारा प्राइवेट में दाखिल भी करेगा तो उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो ये सब लाचारी जो है उधर लोगों के अंदर भर गई कि भाई हम न्याय ले तो कहाँ से ले। तो उस लाचारी को लेकर के मैं केंद्र सरकार को बताने आया हूँ कि साहब देखो, मैं इस देश का नागरिक, संविधान का सिपाही, मैं लाचार हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे जो ताकत है वो तो संविधान की ताकत है। अगर मेरा संविधान ही लाचार हो जाएगा तो ही मैं लाचार हो सकता हूँ, नहीं तो मैं तो देश में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारियों ने मेरी ताकत को ख़त्म कर दिया। तो उस ताकत में जान फूंकने के लिए मैं केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास मदद मांगने के लिए आया हूँ कि आप कुछ रास्ता बताओ कि इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे निकले। इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कुछ तो कार्रवाई करो, क्योंकि उस कानून में लिखा है भ्रष्टाचार अपराध है। तो अगर भ्रष्टाचार कानून में लिखा अपराध है, उसके लिए सजा लिखी गई है, तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों सजा नहीं मिल रही है? उनको मिलनी चाहिए और वो सजा हम उनको दिलवाने के लिए यहाँ पर आए। अच्छा, कुछ बताएंगे आप लोगों के साथ वहाँ क्या हुआ? आप भी वहीं के रहने वाले हैं जी? आप दोनों वहीं के रहने जी, वाले? हाँ। हमारा नाम पंडित हरिश्चंद शर्मा है। 30-35 साल से हम लोग वहाँ रहते थे। आगे मेरा बिजनेस था, पीछे मेरा रहने का मकान था। ये लोगों ने विदाउट नोटिस बिगर बताए हुए देवेंद्र खेमराज जैन मंगलमूर्ति डेवलपर ने वो कहीं थोड़ा सा जगह लिया है, उसी बहाने वहाँ के तो लोग सब भाई भाई माफिया हैं, गुंडागिरी करके हम लोगों को सबको भगाना चाहते हैं। 10 लाख गुंठे से ले लो, 20 लाख गुंठे से, वो 10 लाख गुंठा दे करके भागो यहाँ से, नहीं तो ये है वो है, मार देंगे। तो कुछ लोग डर के मारे भाग गए। हम लोग वहाँ रुके थे, हमारा सब चीज़ बसाटी का हुआ था घर। अब ज़बरदस्ती आ करके हम नहीं थे, दवा के लिए हम बाहर गए थे। 2 घंटे में आके बुलडोजर ला करके तुरंत उसको तोड़ दिया। हमारे पास सब पूरा एविडेंस है, हर कागज़ है। कोई टैक्स बाकी नहीं है, कोई उनका एक भी गवर्नमेंट का पेमेंट बाकी नहीं है, लाइट बिल बाकी नहीं है। लाइट बिल वाला उनको डांट करके वहाँ के एक पुलिस अधिकारी API ठाकुर साहब में मिल करके और बिजली विभाग वाले को फ़ोन करके ज़बरदस्ती मेरी लाइन भी कटवा दिया है। अंधेरे में हम बैठे हैं, ऐसे ही वहाँ देख रेख कर रहे हैं। तो मेरा कम से कम 8-10 लाख का स्पेयर पार्ट प्लस जो मेरा कंस्ट्रक्शन था, करीब 25-30 लाख का नुकसान मेरा किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जिस ज़मीन को आप बता रहे हैं कि जहाँ पर आपकी एक इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी और करीब 35 साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं, वो ज़मीन इलीगल है या लीगल है? वो ज़मीन आदिवासी है, मगर आदिवासी ने ना मेरे ऊपर कोई केस किया है, हमने उनसे परचेस करके और उनको उस ज़मीन का भाड़ा दिया जाता है कानून तौर पर, वो भाड़ा भी हम देते हैं। और हम उस जगह पर आज इतने साल से रह रहे हैं, आज तक ना BMC, तब ग्राम पंचायत थी, BMC ना कोई चीज़, हमको आज तक पहले ही भगा देना चाहिए था ना, जब हम बैठे थे 35 साल में, जो बैठने क्यों दिया और क्यों मेरे लिए असेसमेंट टैक्स, हाउस टैक्स? लेकिन वो ज़मीन जो आदिवासी की है वो तो सरकारी ज़मीन है ना एक तरीके से? नहीं, सरकारी नहीं है वो, आदिवासी खेडूत है। हाँ। खेडूत है वो। हाँ। पहले खेती की जगह थी। हाँ। खेडूत है तो वो आदिवासियों की जमीन है। हाँ, आदिवासियों तो अभी भी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको कोई नोटिस मिला क्या? कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। नोटिस मिला होता तो हम उनको जवाब देते, बीच में उन्होंने हमको बुला करके पूछा तो मैंने उनको सारे पेपर दिया, और वही पेपर जो हमारे हैं, वहाँ 5,000 घर बने हुए हैं, सबका वही है, और वही आदिवासी की प्रॉपर्टी है कि जो कि 5,000 घर बने हुए हैं। आज एक आदिवासी सीताराम तो कल एक आदिवासी गंगाराम, जो भी नाम के आदमी है, टोटल प्रॉपर्टी आदिवासियों की है उधर। 5,000 घर बने हैं, क्या हमारा ही घर तोड़ने का था? मेरी दुकान तोड़ने की थी, मेरे साथ गुंडागिरी, दादागिरी, क्योंकि वो बिल्डर को वहाँ इंडस्ट्रियल बनाने का है और उसको बना करके बेचने का, उसको जमीन चाहिए। हाँ। तो आपके घर जो आप, जिसको आप अपनी जमीन बता रहे हैं, जो आपकी लैंड आप बता रहे हैं, कितने गज की है वो? वो मेरा 22x99 इतना है मेरा, उसमें राशन, गद्दा, बिस्तर, कंप्यूटर, ऑफिस का सारा सामान। गवर्नमेंट के हम वेंडर थे, पुलिस डिपार्टमेंट के, BMC के सारे काम करते थे, और उसके अंदर हमारा सारा सामान ध्वस्त किया, चावल, दाल, आटा, पिसान तक कुछ नहीं है। बच्चों को हम ले जाके दूसरी जगह भाड़े पे रखा है।
अच्छा मतलब आपका पूरा का पूरा जो पूरा आसियाना उड़ा दिया, पूरा आसियाना उन्होंने उड़ा दिया, वो इसे ही पड़ा हुआ है उसके। आपने कोर्ट तक जाने की? कोर्ट में गए थे, कोर्ट में हमारा केस चल रहा था। कोर्ट भी उनकी, बीएमसी भी उनकी, पुलिस भी उनकी, सब कुछ उनकी है। कोर्ट गए आप? हाँ, कोर्ट में मेरा आज भी तारीख पड़ा हुआ है। तो स्टे नहीं मिला कोर्ट से? नहीं, कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, उन्होंने एविडेंस मांगा था, सारे पेपर वगैरह मैंने जमा किया था। उसके पहले कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 28 तारीख पड़ी है। 28 तारीख अभी पड़ी है, और वो कोर्ट वगैरह उनके लिए कुछ नहीं है, कचरा है। जो है उन्हीं का है। कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी जिनकी आप बात बता रहे हैं, जो आपके घर आ गए, जिन्होंने तोड़फोड़ करी, उनकी कहीं ना कहीं बिल्डर्स के साथ मिली भगत? बिल्कुल, दयानंद मानकर को रिटायर होना था 30 तारीख को, 24 तारीख को उन्होंने तोड़ दिया पिछले महीने। कौन है दयानंद? दयानंद मानकर एडिशनल बीएमसी कमिश्नर है। एडिशनल बीएमसी कमिश्नर है? हाँ। उन्होंने तोड़ दिया। मेरा नाम राजकुमार गंगाराम प्रजापति है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम गंगाराम प्रजापति है। उनकी आने की अवस्था बरोबर नहीं थी, इसके लिए मुझे आना पड़ा दिल्ली, और बीएमसी के लोग आए विदाउट नोटिस दिए हुए, सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया, सब तोड़ दिया गया। हमने वापस परिस्थिति झोपड़ी वगैरह बना के, बारिश का मौसम आ गया, पैसे पड़े हुए हैं। लाइट बिल हमारा ऑलरेडी सब कुछ पेमेंट हो चुका था, किसी ना हमको ना लेटर दिया गया बिजली विभाग से, ना हम कुछ नहीं दिए हमको। जबरदस्ती आके 6 तारीख 6वें महीने 2023 में जबरदस्ती आके खंबे से लाइट काट दिया गया। पहले लाइट काटी गई? हाँ, लाइट काट पहले नहीं, तोड़ने के बाद 20 दिन के बाद लाइट काटी गई। जबरदस्ती के लोग खंडाल जाएंगे तो भाग जाएंगे, लाइट नहीं रहेगी तो भाग जाएंगे, मगर फिर भी हम बैठे हुए हैं। फिर भी हम उधर छोटे से झोपड़ी वगैरह बना के हम बैठे हुए उसी जगह पे, सारा सामान वहीं पड़ा है, हमने कुछ हटाया नहीं, सब सामान वहीं पे पड़ा हुआ है। चाहे पुलिस प्रशासन जाओ, चाहे नगर पालिका जाओ, दौड़ते दौड़ते थक जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त, सबसे बड़े आयुक्त अनिल पवार है, उनके पास में 4 बार गया, देखता हूँ गलती से टूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यही आश्वासन देते हैं। और जिसने तोड़ा है उसने 33 बिल्डिंग बनाया है, 3 बिल्डिंग का परमिशन है और 30 बिल्डिंग अनलीगल है। उसके कोई उसकी FIR की कॉपी मेरे पास है, उसके ऊपर MRTP लागू। कौन है ये बिल्डर जो? मंगल मूर्ति डेवलपर है। हाँ, हाँ। उसकी 30 बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही है, हमारी थोड़ी सी जगह वो तोड़ी जा रही है, जबकि वो अनलीगल है, टोटल अनलीगल है। हाँ। उसका एविडेंस मैं लेके आया हूँ, मेरे पास है। तो आप जब आज दिल्ली आए हैं, मदद मांगने के लिए दिल्ली आए, जंतर मंतर पर भी आपने धरना प्रदर्शन किया, ये बताइए आपने अपने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके एकनाथ शिंदे, उनको क्या वहाँ तक कंप्लेंट पहुँचवाई? ऑनलाइन में कंप्लेंट डाला, और वहाँ मिलने जाते हैं तो मुलाकात नहीं होती है। वहाँ भी दौड़े हैं पुलिस कमिश्नर, DCP, ACP, पुलिस स्टेशन, सब जगह कंप्लेंट नहीं। आपने पूरे हर डिपार्टमेंट में सबको, मेरे पास सब जगह लेटर और सबके रिसीविंग करके मैं रखा हूँ। कहीं से नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कितने परिवार होंगे जिनके घर तोड़ दिए गए हैं? हम तो 2 परिवार है, बाकी तो लोग डर के मारे छोड़ के भाग गए। डर के मारे छोड़ के? हाँ, जो पाए नहीं तो अपना निकल गए वो। तो देखिए, मैं अब एक बार आपको पूरा मामला समझा देती हूँ कंक्लूजन में, कि ये सभी निवासी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में करीब 35 साल से ये लोग अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ रहते भी हैं, और सबको विदाउट नोटिस धीरे धीरे करके घर जो है खाली करवा लिया गया। कुछ लोग आवाज़ उठाए और कुछ लोग आवाज़ नहीं उठा पाए, जो डर गए वो लोग अपने आप कहीं और अपना आशियाना बना लिया, या फिर कहें कि रेंट पर लेकर रहने लगे। लेकिन जिन्होंने आवाज़ उठाई वो लोग महाराष्ट्र से पैदल चलते हुए आज दिल्ली आ गए। ये इस मकसद से दिल्ली आए कि शायद इनको यहाँ आने के बाद न्याय मिल जाएगा। और अब आप देखिए कि किस कदर ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और जिस तरीके से आपको बता दें कि इनकी जो ज़मीन है करीब 1000 गज में था, कंस्ट्रक्शन का उसमें काम चलता था, और विदाउट नोटिस, कोई भी नोटिस इनको नहीं मिला, विदाउट नोटिस जो है इनके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, पूरा घर का सामान तोड़ दिया गया। 35 साल से जिस आशियाने में ये लोग अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे, उस आशियाने को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ बड़े बिल्डर्स हैं जिनकी साठगांठ वहाँ के बड़े अधिकारियों के साथ है, जिनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, और यही कारण है कि ये लोग जब अपनी बात अधिकारी या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट में देते हैं, CM तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और न्याय की अपील करते हैं, तो इनकी बात कोई सुनता नहीं है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वहाँ का एक बड़ा बिल्डर है जिसने करीब 33 बिल्डिंगें बनाई हैं, और उसमें से 30 बिल्डिंग उनकी अवैध है, लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया क्योंकि उसकी मिलीभगत है डिपार्टमेंट के साथ, MCD के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और जो इनकी बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है?
कब तक ऐसा होगा और इन लोगों को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी कि ये इतनी सारी फाइल, ये पूरी देखिए इतनी मोटी पोथी टाइप फाइल है और इसके अंदर इतने सारे पेपर्स हैं, कंप्लेंट कॉपी है। अगर आप देखेंगे तो हर एक थाने में, जो महाराष्ट्र का थाना है जहाँ ये रहते हैं, हर थाने में, हर डिपार्टमेंट में, एमसीडी हो या फिर पुलिस स्टेशन हो या फिर अदर डिपार्टमेंट हो, हर एसडीएम हो, हर जगह ये अपनी कंप्लेंट लगा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कंप्लेंट का, कंप्लेंट की आप देख सकते हैं लिस्ट कितनी ज़्यादा है और कितने सारे पेपर्स हैं, हर थाने के पेपर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के वहाँ पर सीएम है जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, और उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे तक ये अपनी बात जरूर पहुँचाना चाहते हैं लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे। और ऐसे हालात हैं कि सत्ता में बीजेपी है और अधिकारियों का कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मासूमों के घर आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जो 35 साल से उन घरों में रहते थे, अपना काम चलाते थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया है और आज ये लोग न्याय के लिए दिल्ली आ गए हैं। सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि कानून हमारा कहाँ सो रहा है, क्यों इन लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। अगर इनके घरों को तोड़ना ही था और अगर वो जमीन सरकार को हथियानी थी तो पहले एक नोटिस जो होता है वो जारी करना था, ताकि जो इनका सामान है, जो इनकी घर की चीज़ें हैं या फिर जो इनका ज़रूरी सामान है वो ये ले लेते, उसके बाद उस पर अगर उस घर को ध्वस्त करना था तो किया जा सकता था। उसके बदले इनको कंपनसेशन दिया जाना था कि अगर आपकी इस ज़मीन को, इस पूरी लैंड को जो 1000 से लेकर 2000 गज के बीच में है, अगर इस ज़मीन को सरकार लेना चाहती है तो उसके बदले कंपनसेशन के रूप में आपको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी या फिर उतना पैसा जो आज के समय में मार्केट रेट चल रहा है उस रेट के अकॉर्डिंग आपको दूसरी जगह या तो उतना पैसा या फिर वो लैंड आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो रहा है महाराष्ट्र में कि आज ये लोग दिल्ली आ पड़े हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आज से करीब एक साल पहले झलको दिल्ली पर ही एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आया था जिसका नाम जय नागर था, उसकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। आज जो हालात ये हमें बता रहे हैं, आज से एक साल पहले वो व्यक्ति भी हमारे पास यही बोलकर आया था कि उसका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं एमसीडी के हैं और पुलिस से साठगांठ करके उसकी ज़मीन हथिया ली है। और आज देखिए वहाँ से एक और परिवार, एक नहीं बल्कि कई परिवार यहाँ आए हैं और कुछ परिवार तो डर कर अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाए और वो लोग आ भी नहीं पाए और वो लोग शायद रेंट पर रहने को मजबूर हो गए या फिर कहीं और रहने लग गए। लेकिन आप सोचिए महाराष्ट्र में सत्ता में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में चल रहा है कि लगातार बिल्डिंगों को, लगातार ज़मीनों को तोड़ा जा रहा है, मासूमों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और इल्लीगल तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है और उसको बेच दिया जा रहा है। यही कुछ ऐसा ही हो रहा है सर? हाँ एकदम, उसके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं। हाँ। अवैध बांधकामों के, अवैध, हाँ अवैध बांधकामों के रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बन रहे हैं फर्जी वाले तरीके से, सब पेपर लगा करके। अब आप सोचिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे सीएम है और उसके बावजूद भी सरकार आंख बंद करके बैठी है। कानून हमारा इतना लचीला हो गया है कि आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर लोगों को आने के लिए मजबूर हो रहा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यही कारण है जो आज ये लोग यहाँ आए, न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय की अपील करने आ रहे हैं। और देखिए कितने सारे पेपर हैं, 2019 में इन्होंने कोर्ट में अपील करी थी लेकिन अभी तक इनको तारीख भी नहीं मिली है, गए नहीं है एक बार भी कोर्ट। गए हैं हम कोर्ट से, हमने निवेदन किया कि साहब हमारी सुनवाई की जाए, जैसे 3-4 बार। जब आप एक चीज बताइए, जब आप बड़े अधिकारी जो हैं जहाँ कंप्लेंट लगाने जाते हैं उनके पास मिले भी होंगे, कभी बातचीत भी हुई होगी, कई बार मीटिंग भी हुई होगी, उस दौरान क्या कुछ वो लोग बोलते हैं? आपने पहले बताया गलती हो गई, ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनके बारे में? जब ये गए थे आयुक्त साहब से मिलने के लिए तो उन्होंने पूछा सर मेरा घर आप लोगों ने तोड़ दिया बिना कानूनी कार्रवाई समझे, बोले गलती से टूट गया। गलती से? अभी गलती से टूट गया, ये कमिश्नर मतलब जो आईएएस अधिकारी है रैंक पे बैठा हुआ है, आईएएस का इतना प्रचार हो रहा है आज की तारीख में, आप यूट्यूब पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, रील बना करके प्रचार किए जा रहे हैं कि आईएएस बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है। अब ऐसा इंटेलिजेंट आदमी ऐसा जवाब दे रहा है कि भाई गलती से टूट गया। अरे आप गलती से किसी का घर दुकान आशियाना तोड़ सकते हैं? आपको कानून की रखवाली करने के लिए कुर्सी पे बिठाया गया है तो आप कानून की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? कानून में लाइट काटना अवैध है, कानून में लाइट काटना अवैध है, पानी काटना अवैध है, उसको भी काट के मेरा बंद कर दिया है लाइट, और ये बिगर कोई नोटिस, बिगर कोई लेटर और एक रुपया सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं है। अच्छा आप गए तो क्या कुछ बोला, जैसे ये बता रहे गलती से टूट गया? हाँ गलती से टूट गया। अनिल पवार साहब ने बोला कि मैं टेम्परेरी आप लोग को बनाने की स्ट्रक्चर दे देता हूँ। फिर उन्होंने एक मैडम के लिए एक नाम के चिट्ठी लिखा, पूरा थर्ड फ्लोर पे जाइए,
आपको वहाँ से आपको सारी चीज मिल जाएगी। वहाँ गए तो मैडम बोलते आप लोग को कुछ भी नहीं मिल सकता, आपके नाम पे 7-12 रहेंगे तभी। मतलब मैडम हमारे नाम पे 7-12 होता तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं खुद अपनी जगह पे बैठा होता। और उन्होंने अभी 7-12 किया है कुछ 2022 में, उनका 7-12 हो गया और हम 30-35 साल से बैठे हैं। तो और हमको बीएमसी पूछती है तुम्हारा सब कुछ पूरा है, फिर बीएमसी कैसे मुझसे टैक्स लेती है, कैसे लेटर लेती है, कैसे असेसमेंट टैक्स देते हैं। लाइट बिल और पानी किसी का काटने का परमिशन नहीं है, जबरदस्ती। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर ये सब हो रहा है? ये वसई, वसई में हो रहा है, वसई तालुका, वसई तालुका। हाँ, तो देख लीजिए आप, सत्ता में बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, सीएम भी बीजेपी के हैं, और उसके बाद भी भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती है, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बड़े बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं। और जिस वजह से गरीब लोगों के आसियानी को तोड़ा जा रहा है, जो लोग 35 साल से रह रहे हैं, एक नोटिस तक उनको नहीं दिया गया। गुंडागर्दी किस कदर महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, आप इन लोगों से ही सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनको दिल्ली आना पड़ गया है, और पैदल आए हैं न्याय मांगने के लिए। अब देखना ये होगा कि जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, उन्हीं के अधिकारी किस कदर लगातार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कहीं ना कहीं इसकी सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। ये जो वसई जगह बता रहे हैं महाराष्ट्र में, उस जगह पर 5,000 से भी ज़्यादा घर हैं, उन घरों में से बहुत सारे घरों को तोड़ दिया गया है, और वो ज़मीन कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से बिल्डरों को बेच दी गई है, और बिल्डर अब उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे और उसके बाद लोगों को बेचेंगे। सोचिए इन लोगों का क्या होगा जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, जिनके पास ना तो लाइट है ना तो खाने के लिए है, और सब कुछ इनका ध्वस्त हो गया है। तो जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच ये लोग मांग रहे हैं, और सीबीआई जांच में खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार इसमें किस हद तक कौन से बड़े अधिकारी हैं जिनकी संलिप्ति है, और जो लगातार अंधाधुंध बिल्डरों की साठगांठ करके लोगों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, और उस पर कब्जा करने के बाद उसको बड़े बड़े लोगों को बेच दिया जा रहा है, और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जा रही है। तो जांच होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि महाराष्ट्र सरकार भी इस बात को समझे, अधिकारियों पर जांच बिठाई जाए, और जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, और उनको इनकी जमीन कहीं ना कहीं वापस मिल जाए। इसी मकसद से आज ये दिल्ली आए हैं, और हम यही चाहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, और वसई के जो अधिकारी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, एमसीडी के जो अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचे और इनकी समस्या का समाधान हो, जो इनका घर है वो इनको वापस मिल जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।